नमस्कार, आज हम बनाएंगे चटपटे आलू 65। आलू में मसाले मिलाकर बॉल्स बनाई, खास चटपटा सॉस बनाकर उसमें बॉल्स को लपेट दिया। आप चाहे इसे स्टार्टर के रूप में परोसे या फिर नाश्ते में, बच्चों को तो यूं ही पराठे में लपेट कर दे दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं बनाने। ये चार आलू छील कर ले लिए हैं, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये काले ना हो। बाकी भी इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और इन्हें हम थोड़े मोटे ग्रेटर में ग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए। ये ग्रेट हो गए, इसमें पानी और डाल लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है, इन्हें वॉश करने से इनका स्टार्च निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से इन्हें निकालेंगे और फिर कस के निचोड़ देंगे। इनके अंदर पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। इन्हें अच्छे से निचोड़ लिया है और ये जो स्टार्च का पानी है इसे हटा देते हैं और ये आलू हमारे तैयार हो गए। अब इसमें कुछ मसाले वगैरह मिलाते हैं। तो 4 टेबल स्पून मैदा डाल रहे हैं और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, अरारोट भी डाल सकते हैं इसकी जगह, और ये दोनों से इसमें अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। 1/2 छोटी चम्मच अदरक पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 20-25 करी पत्ता बारीक बारीक काट के ले लिया है। करी पत्ते का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। इन सबको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो इन्हें हाथ से मिलाते हैं, इन्हें गूंथना है बिल्कुल डो की तरह से। अभी ये एकदम खुला खुला लग रहा है, लेकिन गूंथते गूंथते इसमें नमक डाला है, आलू थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करेंगे और ये डो जैसा बन जाएगा। ये डो जैसा बन गया, अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और इस तरीके से बाइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। ये देखिए इस तरह से सारे मिक्सर से इसी तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें इस तरीके से बाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बड़े अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। अगर आप आलू से पानी अच्छी तरीके से नहीं निचोड़ेंगे तो ये जो डो है पतला होने लगता है, फिर आपको और मैदा और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ सकता है, उससे फिर इनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो ये तो हो गए हमारे तैयार। तेल हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। ज़रा सा डो डालते हैं आलू का, ये सीख रहा है, इसमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं, ऑयल सफिशेंट गर्म है। हमें इन्हें तलने के लिए मीडियम हाई गरम तेल चाहिए, फ्लेम मीडियम चाहिए। अब बारी है इन बॉल्स को तलने की। इन्हें एक एक करके डालिए, थोड़ी थोड़ी दूर डालिए ताकि ये चिपके नहीं। इन्हें 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं चलाना है, तलने देना है। इन्हें तलते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें पलटते हैं और देखिए कितने आसानी से ये पलट गए, कोई भी टूटा नहीं, बहुत ही अच्छे सिक रहे हैं। अब इन्हें चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हिला देंगे। ये अच्छे सुनहरी हो गए हैं, सिक चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। और देखिए अच्छे क्रिस्प बने हैं ये। बचे हुए बॉल भी इसी तरीके से तल लेंगे और यहाँ भी वही ध्यान रखना है, इसे 2-3 मिनट तक बिल्कुल नहीं चलाना। फ्लेम का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी सिककर तैयार हो गए, सारे बॉल सिककर तैयार हो गए। एक बैच को तलने में लगे 7 से 8 मिनट। अब इन्हें लपेटने के लिए मसाले तैयार करते हैं। ये लिया है 1/4 कप दही और इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च चटपटे टेस्ट के लिए, और 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छे तरीके से इन्हें घोल लेते हैं। ये दही तैयार हो गया। अब पैन में डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म होने देते हैं। 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, ग्रेटेड अदरक, फ्लेम थोड़ी धीमी ही रखेंगे।
और ये 3-4 हरे मिर्च लंबाई में कटे हुए, 2-3 लाल मिर्च तोड़ कर ले लिए हैं, और ये 20-25 करी पत्ता। मसालों को हल्का सा भूनते, अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो यहाँ पर 5-6 लहसुन की कली काट कर डाल दीजिए। और ये मसाले वाला दही, इन्हें 2-3 मिनट कुक करेंगे। ये 1/4 छोटी चम्मच नमक इन मसालों के लिए, बॉल्स में तो नमक पहले से ही है। इसमें डालेंगे 1-2 टेबल स्पून पानी, बस अब 2-3 मिनट कुक कर लेते हैं। इसमें से ऑयल अलग हो रहा है, तो मसाले तैयार हो गए। अब ये बॉल्स को इसमें डालते हैं और लपेट देते हैं। गैस बंद कर दी हमने, इन्हें सर्व करते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। ये आलू 65 बनकर तैयार हो गए। चटपटे आलू 65 बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब ग्रेट करके आलू को धोकर निकाल रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से निचोड़ लें, पूरा पानी हटा दें। जब आप बॉल्स को तल रहे हैं तो उन्हें 2-3 मिनट तक बिल्कुल छुए ना। बहुत ही अच्छे आलू 65 बनकर तैयार होंगे, तो आप उन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।